आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। बेगूसराय जिले के बलिया प्रखंड क्षेत्र के पोखरिया बड़ी बलिया सिराजा गांव में शुक्रवार के दिन उम्मीद एजुकेशन एंड वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा सैकड़ों गरीब परिवारों के बीच राशन किट का वितरण किया गया, जिसमें प्रत्येक परिवार के बीच आटा 10 किलो, चावल 7 किलो, मसूर दाल 2 किलो, चूना 2 किलो, सरसों का तेल 1 किलो, प्याज 3 किलो, आलू 3 किलो, सर्फ 1 किलो, नहाने का साबुन 2 पीस, कपड़ा धोने का साबुन 1 पीस, प्लास्टिक मग पीस का वितरण किया गया। उम्मीद एजुकेशन एंड वेलफेयर फाउंडेशन के फाउंडर सोहिल रहमानी ने बताया कि हमारी संस्था लॉकडाउन में जिला स्तर पर गरीब परिवारों के बीच राहत सामग्री बांटने का संकल्प लिया गया, जिसकी शुरुआत आज पोखरिया बड़ी बलिया सिराजा गांव से की गई है। जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक ऐसे गरीब परिवारों को चिन्हित करके उसे राशन दिया जाए। बिहार के बेगूसराय से मोहम्मद नबी आलम की रिपोर्ट। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सोहिल रहमानी, मैं उम्मीद फाउंडेशन का फाउंडर और सोशल वर्कर हूँ। हमारा एक फाउंडेशन उम्मीद फाउंडेशन के नाम से है जो एजुकेशन पे काम करती है, लेकिन अभी जो हालात पैदा हुआ है उस हालात कोविड-19 के हालात के वजह से हम लोग एक मुहिम शुरू किए हैं जिसका नाम है कोविड-19 रिलीफ वर्क। इस रिलीफ वर्क के माध्यम से जो जरूरतमंद परिवार है उन परिवारों तक, उनके घरों तक हम लोग राशन किट पहुँचाने का काम शुरू किए हैं और ये काम हमारा फाउंडेशन बखूबी कर रही है। हम शुक्रगुजार हैं हमारे फाउंडेशन से जुड़े हुए साथी लोग, वॉलंटियर लोग जो इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए हैं और इस काम को जो है कामयाबी तक पहुंचाने का काम किए हैं। हम चाहते हैं कि इसी तरह से ये काम को और आगे बढ़ाना है। जब तक ये लॉकडाउन की वजह से जो स्थिति पैदा हुई है, ये स्थिति जब तक नॉर्मल नहीं होता तब तक इस काम को आगे करते रहना है। हमारे साथ टीम में जो मुख्य साथी हैं चुलकर नैन, मोहम्मद सैयद, मोहम्मद शकील, मोहम्मद शाह शफियुल और मोहम्मद सलमान, ऐसे साथी जो हैं इस काम में जुड़े हुए हैं और इस काम में हर एक चीज़ को ज़रूरत के मुताबिक वो लोग कर रहे हैं। तो शुक्रिया आप सबका और उम्मीद करता हूँ कि ये हमारा काम जो है आगे चलता रहेगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।